फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज जो है हम ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो है मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी 4 वीडियोस ऑडिटिंग की अपलोड हो चुकी हैं, 4 लेक्चर्स ऑडिटिंग के। तो जो भी उन लेक्चर्स को वॉच करना चाहता है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वॉच कर सकते हो आप। तो अब जो है हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग की बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि देर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। पहला जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, दूसरा जो है सब्सिडरी है, थर्ड जो है वो अदर ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो जैसा कि आपको दे रखा है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट द करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्टेन करता है, नॉलेज ऑब्टेन करता है किस बारे में, कि अकाउंट जो है वो करेक्ट है, फेयर है, ट्रूथ है, ट्रू है या नहीं है उनको। और जो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है वो डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, ठीक है। और जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या देखता है कि मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज, सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो अब सबसे पहले जो है हम मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देंगे। सो लेट स्टार्ट मेन ऑब्जेक्टिव। तो क्या दे रखा है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, वो ये फाइंड आउट करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, जैसे कि P&L अकाउंट हो गया कंपनी का, क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, क्या जो बैलेंस शीट में डेटा दिया गया है कंपनी ने जो दिया है, क्या वो ट्रू है, क्या वो फेयर है, सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है, विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश तो नहीं की गई है, ठीक है। तो ये जो है ऑडिटिंग का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये फाइंड आउट करे सबसे पहले ऑडिटर। द फ्रेज ट्रू एंड फेयर व्यू हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का जो मेन इंपॉर्टेंस ही इसीलिए है कि ट्रू एंड फेयर व्यू वो प्रेजेंट कर सके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो इस पर्पस के लिए जो क्या करते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। ये जो है कंपनी, जो ऑडिटर है उसकी ड्यूटी होती है कि वो कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उनको अच्छी तरीके से एग्जामिन करे एंड अदर रिकॉर्ड्स, जो भी कंपनी ने के जो अदर रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छी तरीके से एग्जामिन करे एंड टू वेरीफाई ऑल एविडेंसेस। जो भी कंपनी अपने ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में जो एविडेंस शो कर रही है, क्या वो सही है, क्या वो ट्रू है, ये ऑडिटर जो है वो देखता है। दिस एग्जामिनेशन हेल्प्स एन ऑडिटर इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो जब ऑडिटर जो है, एक जो ऑडिटर है वो जब ये चीजें एग्जामिन करता है तो उसको बहुत हेल्प मिलती है ताकि वो अपना एक विचार बना सके, एक ओपिनियन बना सके किस बारे में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और करेक्ट एंड रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है मेनली फोकस इन्हीं बातों पे करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी उनसे रिलेटेड एविडेंसेस है क्या वो सही है या नहीं है, उनको अच्छी तरीके से एग्जामिन जो है ऑडिटर करता है। अब जरा बात करेंगे सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स की। तो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स जो है मेनली 3 टाइप्स के हमने पढ़े थे। पहला था डिटेक्शन ऑफ एरर, दूसरा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, तीसरा जो है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। तो सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ एरर्स, कि भाई एरर जो है उनको डिटेक्ट करना। तो डिटेक्शन ऑफ एरर इज एन इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। एरर्स मे अराइज एट डिफरेंट स्टेजेस इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड। जो एरर्स हैं वो डिफरेंट, जो भी अलग अलग स्टेजेस
हैं बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स के वहां पर हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो जर्नल एंट्री से लेकर P&L अकाउंट हो, ट्रायल बैलेंस हो, आपका बैलेंस शीट तक ही क्यों ना हो, वहां पर अलग अलग तरीके के जो है एरर्स होते हैं। और क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द एरर आर ऑफ इनोसेंट नेचर, जो ज्यादातर एरर होते हैं वो इनोसेंट नेचर के ही होते हैं, यानी कि वो गलती से हो जाते हैं, लेकिन बट समटाइम्स दीज आर डेलिबरेटली कमिटेड, यानी कि लेकिन कभी कभी जो है वो जानबूझकर भी किए जाते हैं कंपनी के अकाउंटेंट के द्वारा, किस लिए, टू कवर सम डिसऑनेस्ट ट्रांजेक्शन, ताकि वो कुछ जो बेईमान ट्रांजेक्शन है, जो डिसऑनेस्ट ट्रांजेक्शन है, उनको कवर करने के लिए एरर कर दिए जाते हैं। तो दीज एरर में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये जो एरर है वो फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला है एरर ऑफ ओमिशन, कि भाई कोई ट्रांजेक्शन हुई उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो एक एरर है। एरर ऑफ कमीशन एरर, और क्या है, कंपनसेटिंग एरर है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट एंट्री कर दी। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि भाई कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा अकाउंट का, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो है एरर अराइज होते हैं, कुछ वो इनोसेंट नेचर के होते हैं तो कुछ डेलिबरेटली कमिटेड होते हैं कंपनी के अकाउंटेंट्स के द्वारा। तो इनको जो है ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड जो है एक ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। दिस फ्रॉड हैज टू बी चेक्ड इन अर्ली स्टेज, ये जो फ्रॉड है ये शुरुआती स्टेजेस में ही चेक करा जाना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। मतलब वरना जो है अगर हमने इसको स्टार्टिंग में ही जो है डिटेक्ट नहीं किया तो आगे जाके जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इसको डिटेक्ट करना। तो फ्रॉड्स जो है होते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी कि एरर और फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना कि वो ना हो। तो इट इज इम्पॉसिबल टू एंड ऑल एरर्स एंड फ्रॉड्स, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि हम सभी एरर्स को, सभी फ्रॉड्स को जो है एंड कर दे, खत्म कर दे, लेकिन बट इट कैन बी रिड्यूस, लेकिन ये कम जरूर किए जा सकते हैं, अप टू सम एक्सटेंट, कुछ लिमिट तक जो है हम इनको कम जरूर कर सकते हैं कि ये कम से कम हो। ऑडिटिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट और प्रिवेंट द एरर और फ्रॉड्स। तो ऑडिटिंग हम इसलिए करते हैं कि ताकि एरर्स और फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया जाए, उनको फाइंड किया जाए, ढूंढा जाए कि कौन सा एरर है, कौन सा फ्रॉड किया गया है। बिसाइड्स द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, मतलब जो है डिटेक्शन ऑफ जो डिफरेंट टाइप के जो एरर और फ्रॉड होते हैं, तो जो ऑडिटर हैज टू हेल्प, हैज ऑल्सो टू प्रिवेंट देम, मतलब ऑडिटर जो है उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, यानी कि वो ना हो, ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट करने की कोशिश करता है कि फ्रॉड ना हो, एरर ना हो पाए। बट इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिवेंट फ्रॉड्स। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनकी ये सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्रॉड्स एंड एरर को प्रिवेंट करे, ठीक है, ना होने दे वो, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। मतलब जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है अकाउंटिंग प्रिपरेशन में थ्रू आउट द ईयर, इसलिए उनपे ऊपर जो है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब क्या दे रखे है कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग विद रिगार्ड टू प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स से रिगार्डिंग वो देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑडिटर टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, कि ये जो है पॉसिबल नहीं है और एक ऑडिटर के लिए कि वो कंप्लीटली एरर एंड फ्रॉड्स को जो है प्रिवेंट कर पाए। बट ही कैन पुट अ मोरल चेक अपॉन द स्टाफ बाय डिटेक्टिंग देम, कहने का यह मतलब है कि लेकिन वो जो है चेक जरूर कर सकता है, ठीक है, डिटेक्ट जरूर कर सकता है। दे वुड ऑलवेज बी अलर्ट, उनको जो है हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ऑडिटर्स को, एंड वुड नॉट कैरी ऑन एनी डिसऑनेस्ट ट्रांजेक्शन एज दे वुड बी अफ्रेड ऑफ देयर डिटेक्शन बाय ऑडिटर।
मतलब जो भी अकाउंटेंट है कंपनी के उनको जो है डिसऑनेस्ट ट्रांजेक्शन जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। दे वुड बी अफ्रेड ऑफ देयर डिटेक्शन बाय द ऑडिटर, मतलब उनको जो है डर भी होना चाहिए कि कहीं ऑडिटर जो है उनकी जो इस डिसऑनेस्टी को जो है वो पकड़ ना ले, तो इस बात का भी उनको डर होना चाहिए। अब जरा बात कर लेते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स की। क्या अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिटिंग के? सम अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग आर एज फॉलो। कुछ जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिटिंग के वो क्या है कि मॉरल प्रेशर ऑन इम्प्लॉइज। कहने का ये मतलब है व्हेन द इम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, जब इम्प्लॉइज को पता है दैट देयर वर्क शैल बी एग्जामिन्ड, कि जो उनका काम है वो एग्जामिन किया जाएगा बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। कौन है इंडिपेंडेंट पर्सन? ऑडिटर, ऑडिटर के द्वारा। तो देन इट वर्क्स एज एन इनडायरेक्ट प्रेशर ऑन देम एंड हेंस दे वर्क विद मच ग्रेट रेगुलरिटी, एफिशिएंसी एंड क्वेश्चन। तो इसलिए जो है जो ऑडिटर जो है इम्प्लॉइज पर भी जो है डिटेक्शन करता है, उन पर भी नजर रखता है उनके काम पर, तो जो है इम्प्लॉइज के ऊपर भी एक प्रेशर होता है चाहे वो इनडायरेक्टली हो, ताकि वो जो है दे वर्क विद मच ग्रेट रेगुलरिटी, कि वो अपना जो काम है वो रेगुलरिटी के साथ करें, एफिशिएंसी के साथ करें। सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब लीगली इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड पार्टनरशिप फर्म। मतलब कहने का ये मतलब है कि लीगली ना ये मैंडेटरी नहीं है किनके लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए और पार्टनरशिप फर्म के लिए, कि वो अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको ऑडिट कराए, ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। इवन देन दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफन गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, लेकिन फिर भी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार जो है अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड कराते हैं विद द मेन एम ऑफ प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरी असेसमेंट ऑफ टैक्स बाय द टैक्स अथॉरिटीज। किस लिए? ताकि जो है असेसमेंट ऑफ टैक्स जो है इनका होता है जब इन टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, तो उनको जो है प्रिवेंट करने के लिए कि भाई अकाउंट जो है ऑडिटिंग को कराते हैं। नाउ आगे क्या दे रखे हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। तो इट हैज बीन मेड लीगली मैंडेटरी फॉर सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है लीगली कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ये अनिवार्य है कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड कराएं, सच एज पब्लिक ट्रस्ट हो गया, जो कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंक हो गए, तो इनको जरूरी है अपने अकाउंट ऑडिटेड कराना। फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन इट इज नेसेसरी टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। और इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है बहुत जरूरी है कि वो इन रिक्वायरमेंट्स का पालन करें, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स इन रिलेशन टू ऑडिट एज स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट एनेक्ट। तो इससे हमें जो है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट में मतलब कि इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आगे क्या दे रखा है कि दस ऑडिटिंग हेल्प्स इन फुलफिलिंग द अबव मेंशनड ऑब्जेक्टिव्स। अब जो है हमने ऑडिटिंग जो है हमें हेल्प करता है इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट के लिए। इट हैज बीन राइटली सेड, ये बिल्कुल सही कहा गया है दैट ऑडिटिंग मे बी डिफाइंड एज इंस्पेक्टिंग, कंपेयरिंग, चेकिंग। कि जो है ऑडिटिंग को कैसे डिफाइन किया गया, इंस्पेक्ट करना, कंपेयर करना, चेक करना, रिव्यूइंग करना, वाउचिंग करना, स्क्रूटिनाइजिंग करना, एग्जामिन करना, किनको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई भी करना ऑफ ए बिजनेस कंसर्न, ठीक है, विद व्यू टू हैव अ करेक्ट एंड ट्रू आइडिया ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेट, ताकि हमें उस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्टली पता चल सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑडिटिंग के जो बाकी के लेक्चर्स हैं, आने वाले लेक्चर्स भी जो हैं और जो प्रीवियस लेक्चर है, अगर आप वो भी वॉच करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वॉच कर सकते हैं #auditinglectures से। वेल थैंक यू सो मच।